आज की प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की वार्ता की शुरुआत मैं देश की बहादुर बेटियों के नाम कुछ पंक्तियां कहकर, उनके नाम कुछ पंक्तियां समर्पित कर करना चाहूँगी। देखिए, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस पार्टी कहती है पढ़ रही हैं बेटियां और लड़ रही हैं बेटियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं बेटियां। इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं बेटियां। कांग्रेस पार्टी सलाम करती है इस देश की साहसी बहादुर बेटियों को, उनके जज्बे को, जो आज इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने वजूद, अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता और अपने अधिकारों की लड़ाइयाँ खुद लड़ रही हैं, या ये कहूँ कि उन्हें लड़ना पड़ रहा है। और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और उनके जुल्म के खिलाफ लोहा लेकर लड़ना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि मोदी सरकार और योगी सरकार को अपनी रक्षा की जिम्मेदारी, अपने संरक्षण की जिम्मेदारी जिस जनता ने दी थी, उसी के भक्षकों का संरक्षण करने के लिए सीना ठोक के ये सरकारें पहली पंक्ति में, पहली कतार में खड़ी हुई हैं। निहाल चंद से लेकर चिन्मयानंद तक एक बहुत लंबी फहरिस्त है और बहुत लंबी दास्तान है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लिख रही हैं महिला विरोध में, महिलाओं के अधिकारों को दबाते हुए और महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण का मखौल उड़ाते हुए। मैं समझती हूँ कि पूरे 2 साल तक इस देश में मानवता के हित में सोचने वाले हर व्यक्ति ने तमाशा देखा। वो उन्नाव के बलात्कार के कांड का तमाशा था और उस तमाशे की हर एक घटना के साथ हम भली भांति वाकिफ हैं साथियों, पर मैं वो दोहराना चाहूँगी। इतिहास को याद रखना चाहिए कि वो दोहराया ना जाए, पर विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक इतिहास लगातार दोहराया जा रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, और उसका सबसे द ब्लेटेंट एग्जाम्पल ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्री बीइंग रिपीटेड कैन बी सीन इन द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ दिस कंट्री विच इज रूल्ड बाय द बीजेपी। तो आपको याद ही होगा कि 16 साल की बिटिया थी उन्नाव की, वो जिसके साथ बलात्कार होता है, वो दर दर की ठोकरें खाती है, अपनी गुहार लेकर जाती है, उसकी चित्कार, उसकी गुहार बहरी योगी सरकार को सुनाई नहीं देती। और अत्याचार की सीमा तो देखिए कि उसके पिता को हवालात में बंद करके पीट पीट के मार दिया जाता है। इतना शोषण होता है कि उसे आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ती है। और अगर जब जेल में बंद हुए आरोपी, तो साक्षी महाराज उनसे मिलकर सांत्वना देने के लिए पहुंच गए, ये भी आपको याद रखना चाहिए। फिर एक और बहुत गंभीर प्रकरण हमारे सामने आया जब ग्रीस लगी नंबर प्लेट वाले ट्रक ने बहुत ही रहस्यमयी तरीके से पीड़िता को की कार को टक्कर मारी, एक और परिवारजन को उसे खोना पड़ा। और तब एक बहुत ही हृदय विदारक पत्र, हार्ट रेंचिंग लेटर वॉज रिटन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संज्ञान लिया गया और तब कहीं जाकर न्याय मिलने की शुरुआत हुई। बहुत खुश हूं मैं, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी ने इसी मंच से बैठकर उस मसले पर पूरी एक प्रेस वार्ता की थी, जो न्याय मिलने की शुरुआत हुई कि 45 दिन में जल्द से जल्द सुनवाई होकर खत्म हो, 25 लाख का मुआवजा मिले और दिल्ली केस ट्रांसफर हो। हम बहुत खुश हुए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर किसकी थी? वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और योगी सरकार की महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों पर जो संवेदन शून्यता है, उसकी तस्वीर सामने आई। महिला विरोधी मानसिकता, सत्ता का दुरुपयोग और अपराधियों के साथ संलिप्तता की जो तस्वीर है, वो सामने आई। और आज जो मुख्य मसला मैं सामने लेकर आई हूं, उसके लिए ये भूमिका बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो शुरुआत में करती हूं चिन्मयानंद के खिलाफ। शाहजहांपुर की एक छात्रा ने जो बयान दिया है, उसे मीडिया के सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि कितनी पीड़ा, कितनी व्यथा से वो गुजर रही है। एक आम भारतीय के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों से उसे वंचित रखा गया है। एक FIR जब पीड़िता खुद सामने आकर कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, और सिर्फ बलात्कार नहीं, शारीरिक शोषण हुआ पूरे 1 साल तक,
और एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती। आप देखिए, आप एक बार सुनिए, हम कोशिश कर रहे थे कि बड़ी स्क्रीन पर चले, वो मुमकिन नहीं हो पाया है, पर दो मिनट में आपके लूंगी। एक बार मैं चाहती हूं कि सब लोग देखें ये पीड़िता क्या कह रही है। ये पूरा वीडियो आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के पास है, 6 मिनट का वीडियो है। मैं गुजारिश करूंगी कि आप इसे ज़रूर देखिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो ये वीडियो देखेगा उसकी आंखें भर नहीं आएंगी या उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ कचोटे का नहीं। वो इसलिए कि एक लड़की जो शोषित हुई, एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ, एक लड़की जो एक साल तक ये पीड़ा अपने मन में दबाए रही कि सामने नहीं निकल कर आ पाई, आज रो रो कर गुहार लगा रही है। और वो सवाल क्या पूछ रही है आपने सुना? वो कह रही है कि मैं तो पीड़िता हूँ, मैंने भुगता है, ये सब मेरे साथ हुआ है, ये ज्यादती हुई है मेरे साथ, और SIT ने मुझे रविवार को 11 घंटे बिठा कर मुझसे पूछताछ की, और जो ये करने वाला है उसे 11 मिनट भी नहीं पूछा गया, उसे पकड़ा नहीं गया, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उससे उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अगर हम कानून की भाषा में भी बात करें तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है? अगर एक रेप विक्टिम है, अगर वो जाकर सामने आकर ये कहती है, उसकी FIR लॉज नहीं होती, जिसके खिलाफ वो आरोप लगा रही है वो रसूखदार व्यक्ति है, उसका उदाहरण दे रही है कि मेरे पिता को जिलाधिकारी कह रहे हैं कि तुम्हें पता है किसके खिलाफ तुम रिपोर्ट लिखाने आए हो, वो रसूखदार लोग हैं यहाँ के, तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि अपनी बिटिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो पुलिस किस तरह से योगी सरकार के इशारों पर नाच रही है, ये आप सब लोगों के सामने है बात। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी एक एक, एक किस्से के माध्यम से। एक बार एक जज के सामने एक चोर को लाया गया और पकड़ने वाला बहुत मोटा सिपाही था, तो उस जज ने कहा कि अरे हवलदार भाई, तुम कैसे पकड़ के लाए, ये तो बहुत दुबला पतला है, भाग गया होगा, तुम इतने मोटे हो। तो उसने कहा साहब, पुलिस का इकबाल होता है। मैंने कहा रुक पुलिस, और वो रुक गया, क्योंकि ये डर होता है अपराधियों के मन में, ये होता है कि जो संरक्षक हैं हमारे, वो हमारी रक्षा करने का दायित्व शपथ लेकर आते हैं,
ये जिम्मेदारी है उनकी, और रक्षक के भक्षक बनने का इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे नहीं सकती। यहाँ पर भी पिता को धमकाया जा रहा है, उन्नाव की पीड़िता के केस में भी धमकाया जा रहा था। मैं कहती हूँ कि साल दर साल हर महीने सिर्फ नाम बदल जाते हैं, जगह बदल जाती हैं, लेकिन ये उत्पीड़न चल रहा है। सरकार की संलिप्तता बढ़ती जा रही है, सरकार का प्रोटेक्शन बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है ना सिर्फ विपक्ष की पार्टियों की, बल्कि मैं समझती हूँ कि मीडिया कर्मियों की, कि इसको रोका जाए। और उत्तर प्रदेश तो मुझे लगता है क्लासिक एग्जाम्पल है। मेरे पिताजी पत्रकार हैं, दिल्ली में एक हिंदी के अखबार में उन्होंने 27 साल काम किया, और वो मुझे कहते थे कि पत्रकार की कलम झुकती है तो सिर्फ लिखने के लिए, किसी के दबाव में कभी नहीं झुकती। और ये सरकारें क्या कर रही हैं, मैं उसका भी उदाहरण देना चाहती हूँ आपको। आजमगढ़ में स्कूल के बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही थी, उसका खुलासा हुआ तो मुकदमा हो गया पत्रकार के ऊपर। बिजनौर में दलित परिवार को पानी नहीं भरने दिया जा रहा था, उसका खुलासा किया वहाँ के लोकल चैनल ने तो फर्जी मुकदमा हो गया उसके ऊपर। नोएडा में 5 पत्रकारों के ऊपर स्ट्रिंजेंट गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, डेफामेटरी रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए, क्योंकि सच्चाई दिखा रहे थे, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और कहते हैं कि हम वो भूमिका निभाना चाहते हैं। मिर्ज़ापुर में मिड डे मील की खबर तो सबको मालूम है। मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी, लोग कहते हैं कि ऐसे मसलों पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे मसलों पर राजनीतिक जिम्मेदारी ज़रूर तय होनी चाहिए, और वो जिम्मेदारी तय होगी अगर आप लोग इसे दिखाएंगे, जनता देखेगी और समझेगी कि कितना गंभीर मसला है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सवाल क्या लाजमी नहीं है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या ये सवाल लाजमी नहीं है कि पूछताछ क्यों नहीं हो रही चिन्मयानंद से? क्या ये सवाल लाजमी नहीं है कि महिलाओं के सम्मान की दुहाई देने वाली जो महिला नेत्रियां हैं भाजपा की, वो खामोश क्यों हो जाती हैं? पहले तो बहुत चूड़ियां भेजती थी, हालांकि मैं समझती हूँ कि चूड़ी सशक्तिकरण की निशानी है, कमजोरी की नहीं, क्योंकि महिला घर भी संभालती है, बाहर की जिम्मेदारी भी संभालती है, जीवन की हर रिश्ते को, हर जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाती है। पर जब मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी जा रही थी, आज वो चूड़ियां कहां चली गई मैं नहीं जानती, उनकी झंझनाहट क्यों नहीं सुनाई दे रही है मैं नहीं जानती, कि कोर्ट से थप्पड़ खाए बिना इस सरकार की अकल ठिकाने क्यों नहीं आती, कान में जूं क्यों नहीं रेंगता। और जब कोर्ट की बात आई तो मैं एक छोटी सी बात आपको फिर याद दिलाऊंगी, 13 जुलाई इसी साल की बात है, 24,000 से ज्यादा 6 महीने के भीतर बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है देश में, चाइल्ड रेप के इंस्टेंसेस 24,212 FIRs have been registered in the cases of rape against children or rape on children. और सरकार ने कितनों का निपटारा किया है? How many cases have been disposed of? Only 4%, 900 केस 24,000 में से। और वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उत्तर प्रदेश में 3,457 FIR दर्ज हुई चाइल्ड रेप के केसेस में, जो कि देश में सबसे ज़्यादा हैं, और उसमें से 22 FIR डिस्पोज ऑफ हुई हैं, यानी कि केवल मात्र 3%। तो जहाँ तक महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण का सवाल है, जहाँ तक महिलाओं की परंपरागत छवि को अबला से सबला बनाने का सवाल है, जहां तक महिलाओं के अधिकारों को हाशिए से मुख्य धारा पर लाने का सवाल है, और जहां तक इस देश की आधी आबादी को पूरा हक दिलाने का सवाल है, मैं समझती हूं कि मोदी सरकार के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, इस ऊंची दुकान के पकवान एकदम फीके हैं। और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस पार्टी ये अपनी जिम्मेदारी समझती है, द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स फाइट फॉर जेंडर जस्टिस, द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू कंटिन्यू टू रेज वॉइस अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड सेक्सुअल एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड इन सॉलिडैरिटी विद द विक्टिम्स एंड इंश्योर दैट द परपेट्रेटर्स, हाउएवर माइटी दे आर, whosoever they are, however powerful they are, and on whichever post they are brought to justice. एक भी अगर अन्याय कोई महिला के साथ होता है तो कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि हम उसके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़े हों। और अनुरोध आपसे ये है कि आप लोग भी अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाहन पूरी तरह से करें। एंड इन द एंड, सिंस आई बिगैन विद अ फ्यू
lines dedicated to the girls and women of this country, I will also like to end by what one of the, it's a beautiful thought by one of the most renowned judges of our country, V.R. Krishna Iyer, who in his book Law and Life wrote that the fight is not for women's status, but for human worth. The claim is not to end inequality of women, but to restore universal justice. The bid is not for fishes and loaves for the forsaken gender, but for cosmic harmony, which never comes till gender justice comes. Thank you very much.